हमने उसको अपने बारे में सारा कुछ बताया तो उसने अपना नाम मुझे योगेंद्र बताया। मैं पृथ्वीराज चौहान हूँ। तो मैंने कहा भाई मैं भी हिंदू हूँ, तो उसने अपने आप में सारी बातें बताई थी। कह रहा मेरी भी शादी हो रखी है, ऑलरेडी मेरा डिवोर्स हो रखा है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, 5-6 महीने मेरे फ़ोन पर बात होती रही। फ़ोन पर बात होते होते रहते रहते उसने मेरी जॉब भी छुड़वा दी थी। खर्चा मुझे देना चालू कर दिया था। 2-2.5 साल ऐसे ही चलता हो गया। फिर मैं जब माँ बनती थी तो मैं उससे कहती थी भाई अब शादी कर लो आप, तो वो ये कहता था मैं शादी नहीं करूँगा और हर वक्त मेरा इमोशन करवा देता। धीरे धीरे मुझे ये पता लगा कि ये मुस्लिम धर्म से है, तो मैं शायद इसके घर भी पहुँची थी। वहाँ घर पहुँचने के बाद जब मोबाइल में मेरी फ़ोटो थी और उसकी थी, तो मैंने सबसे पूछा कि भाई ये कौन है, ये तो योगेंद्र है। तो कह रहा नहीं बेटा ये जोरासी गाँव का मुसलमान है, शहजाद खान है। मैं जब उसके घर गई थी तो ऑलरेडी शादीशुदा था, 4 बच्चे थे। और वहाँ मैंने उससे ये कहा कि मेरे ये पेट में बच्चा बन रहा है, शादी करोगे या नहीं करोगे? तो मुझसे उसने ये कही मेरे से निकाह पढ़ लो और मैं शादी कर लूँगी। मैंने मैं निकाह नहीं पढ़ सकती, मैं पृथ्वीराज चौहान हूँ, मेरे संग तुमने ऐसा क्यों करा? उसकी वाइफ ने उसके पति ने मुझे मारा था। मैं फिर अपने संगठन लोगों भैया से हेल्प मांगी और भैया ने मेरा रिपोर्ट करवाई थी और मेरे 164 के बयान हो गए। 5 दिन हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं ये चाहती हूँ उसको जल्दी से जल्दी पकड़ो और मुझे इंसाफ मिले।